जिले के मनगवा थाना अंतर्गत त्योने मोड़ के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। युवक को ट्रक ने मारी ठोकर, ट्रक के नीचे आ जाने से युवक का हाथ शरीर से हुआ अलग। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाया गया। रीवा इलाहाबाद मार्ग एक बार फिर खून से रंगा। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत तिवनी मोड़ के पास एक बार फिर भीषण सड़क हादसा। इस बार बाइक सवार का हाथ ट्रक के पहिए के नीचे आया, जिसकी वजह से बाइक सवार चालक का हाथ पूरी तरीके से कट गया। बाइक सवार चालक को गंभीर हालत में पहले मनगवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी हालत को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। संजय गांधी अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा था, तभी हमारी टीम ने एम्बुलेंस चालक और बाइक चालक के परिजन से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। जी सर, ये अपना के रामपुर में और जा रहे थे डीहबा से और यहाँ आपके नई गढ़ी साइड में बाइक से थे। बाइक से और मतलब जंपिंग पड़ी, जंपिंग के सामने मतलब मोड़ था, मोड़ में गाड़ी स्पीड नहीं थी, धीम थी। ट्रक की क्रॉसिंग ले रहे थे तो मतलब क्रॉसिंग लेते वक्त उधर से एक दो चक्का आ गई तो मतलब ब्रेक मारे तो आग लग चक्का एकदम लिस गया, तो उसके बाद ऐसे गिर गए तो यह पछला चक्का उसका हाथ वो टायर में चला गया। ये रामपुर के पास तिवनी में। जी सर, छविलाल रावत। एक्सीडेंट ये मनगवा में हुआ था। हमारे एम्बुलेंस को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत सीन पे एम्बुलेंस पहुंची और पेशेंट को लेकर के पहले मनगवा गए थे, मनगवा से फिर मेडिकल कॉलेज के लिए ले आए हैं। ट्यूनिंग मोड पे ये हमारे यहाँ जैसे जो भी एक्सीडेंट होता है तो उस जगह पे जो भी राहगीर रहते हैं वो 108 पे फ़ोन लगाते हैं, 108 से हमारे पास सूचना आती है। ये कोई ट्रक थी, ट्रक से हुआ था, ट्रक और बाइक।